सुबह का वक्त था और मैं अपने यहाँ से महार रहता था, तो हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते थे। हम साथ में उतरे और उतर के हम बस साथ में जा ही रहे थे, तो वो मुझे दिख गया। और मुझे दिख के उसने, वो मेरे पास भागा भागा आया और मेरे पास भागा भाग के आके बोला, भाई चलो यार टाइम आ गया अपना, चलो स्टार्ट करते। मैं बोला, यार तू आज कैसे आ गया? क्योंकि यूजली दीपेश का सैटरडे को शूट रहता था। तो बोला, नहीं यार आज मेरा 1 बजे का कॉल टाइम है और मैंने सोचा कि थोड़ा खेल के चले जाऊँ। तो हम लोग दोनों भाई कंधे में कंधा हाथ डाल के जा रहे थे और बहुत सपोर्टिव था वो मेरे हर काम के बारे में। हम लोग काम के बारे में डिस्कस, क्योंकि हम एक ही फ्रेटर्निटी से थे तो हम काम के बारे में डिस्कस बहुत करते थे। तो जा रहे थे साथ में, तो पूछा कि आपका क्या नेक्स्ट आ रहा है। मैंने बोला, तेरा क्या हो रहा है? अब ये सब बातें करते करते हंसी मजाक करके हम अंदर पहुँचे ही कि उसने, वो बॉलिंग टीम में था, मैं बैटिंग टीम में था, मैं उसके पीछे खड़ा था। और उसने बॉलिंग करनी शुरू करी, उसने पूरी 6 बॉलें डाली डाल के जब वो घुमा और मेरे पास आया, मेरे हाथ में उसकी टोपी थी, वो टोपी लेने जब मेरे पास आया तो उसको एक ऐसा पेन शुरू हुआ और वो सडनली कोलैप्स होते होते मेरे पैर पे आके गिर गया। मैंने उसको पकड़ा, संभाला और मैंने उसको देखा तो वो धीरे धीरे उसकी सांसें बढ़ने लग गई थी। और वो चीज़ एक ऐसा हो गया कि मैं शॉक हो गया कि मैंने दीपेश को ऐसा कभी देखा नहीं, और ना ही वो कभी ऐसा कोई पेन या कुछ ऐसा उसको मैंने तकलीफ, या मैंने उसको बीमार कभी नहीं देखा। और वो इतना एक्टिव, इतना जिम करने वाला बंदा, ज़िंदगी को अच्छे से जीने वाला बंदा, हंसाते रहने वाला बंदा, सडनली ऐसा मैंने उसको देखा। मेरे हाथ पैर एकदम नम हो गए थे और हमने उसी वक्त एम्बुलेंस को फ़ोन किया। और एम्बुलेंस के आने का हमने वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत उनके नंबर्स काफ़ी, ये डायल करिए वो डायल करिए। उतने में मैंने बोला, गाड़ी निकालो, और हमने गाड़ी में जैसे उसको ले गए तो हॉस्पिटल में उसको डिक्लेयर किया गया कि ही इज़ नो मोर। एंड